नमस्कार. गुड न्यूज फॉर अस. मेट्रो टीवी ब्यूरो नुआ लॉन्च करुचे. आम समस्त गोटे बहुत खुशी खबर कि आम मोबाइल रे आपको देखिपर जो भी चाहिए आम देखिपर मोबाइल रे. आजकल तो समस्त मोबाइल यूज कर तो आपण मैंने आपको सपोर्ट करूँ. ये चैनल मुझे विश कर चैनल बहुत ऊपर को जाओ. आई एम उत्तम महंती एंड आई विश ऑल द बेस्ट to Metro TV Bureau, wishing them all the success. Thank you. नमस्कार. उत्कल प्रदेश को स्वागत करछी मु शुभश्री. प्रथमे हेडलाइंस. नंबर वन नेता हेले मोदी. एक सर्वे रिपोर्ट अनुजाई मोदी हेले जनता को प्रथम पसंद. आगामी निर्वाचन रे प्रधानमंत्री पद पर 50% जनता को पसंद मोदी. बांसबुदारु दुई जन युवती को गलित शव उद्धार. पुलिस रो तदन जारी. ओलंपिक फाइनल रे सिद्धू स्वर्ण पदक पर आज हे लड़ई. देशवासी आशाई. दिवाली रे हेबा को जाउची दुई मेगा स्टार को टक्कर. सामना सामनी एबे अजय और अमिताभ. पर्दा को आसीबो गोलमाल फोर और आंखे टू. वर्तमान संपूर्ण खबर. केन्द्र रे मोदी सरकार को शासन इतिमध्यरे दुई वर्ष बीती जाइछि. एबे भी प्रधानमंत्री जनसाधारण को प्रथम पसंद. एक सर्वे रिपोर्ट अनुसार ए तथ्य सामना को आसीछि. ए अनुसार आगामी 2019 रे हेबा को थिबा निर्वाचन रे पुणी एनडीए सरकार को मिली पारे बहुमत. एई सरकार हातेई पारे 300 रु उद्ध आसन. केन्द्र रे मोदी सरकार को शासन इतिमध्यरे दुई वर्ष बीती जाइछि. निजर शासन नीति पे से सर्वदा विरोधी दल नेता टार्गेट रो शिकार होइछन. सर्वदा विरोधी दल नेता टार्गेट रहुथिबा मोदी को मिलिछि एथरो खुशी खबर. केतेक गणमाध्यम द्वारा करा जाइथिबा सर्वे अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नंबर वन प्रधानमंत्री रूपे जनता प्रथम पसंद साजिछन्ति. समस्तक धारणा जे आगामी 2019 रे हेबाकु थिबा निर्वाचन रे एनडीए सरकार को मिलि पारे बहुमत. अर्थात एही सरकार हाते पारे 300 रु ऊर्ध आसन. एही सर्वेक्षण को अंतिम रूप देवा पे 19 टी राज्य 97 संसदीय क्षेत्र और 194 टी विधानसभा क्षेत्र 12321 जन जनसाधारण राय निया जाइथिला. एही सर्वे अनुसार 53% लोक मानुछन्ति जे मोदी का शासन शानदार अटे. आगामी निर्वाचन में मोदी को 50% जनसाधारण प्रधानमंत्री रूपे देखा चाहूबा बेले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को 13% और सोनिया गांधी को 6% जनसाधारण प्रधानमंत्री रूपे देखा चाहूँ. यह सर्वे टी जुलाई 15 रु अगस्ट 2 मध्य ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो टीवी ब्यूरो. धान चाषीों पर सहायक मूल्य वृद्धि होते सुधा चाषी को उचित मूल्य मिलूना. यह प्रतिवाद कर बरगड़ में धान मिल मालिक मैंने मुहरे कलापटी बांधि धारणा देते. जिला जोगाण कार्यालय पहुंची एक दाबीपत्र प्रदान करने धारण में बसी. चाषी धानर सहायक मूल्य वृद्धि है सत कि 20 वर्ष तले धान मिलिंग क्विंटल पिछ सरकार जो दर धार्य करते आज भी से ही दर रही. 2015-16 खरीफ और रबी धान संग्रह पर सरकारी स्तर में मिलिंग चार्जेस बढ़ावाई निष्पत्ति निया किंतु आज पर्यंत ताइपारी जहाक नहीं मिल मालिक मैंने मुहर कलापट्टी बांधि एक शोभा आसी जिला जोगाण अधिकारी कार्यालय को पहुंची एक दाबीपत्र प्रदान करने प्रतीक धारणा बसते. 2015-16 वर्षर खरीफ और रबी धानर प्राय 80% धान को मिल मालिक मैंने चाउल उत्पादन कर सरकार को दे सारे किंतु ए जाए सरकार से प्राप्य देना. 2015 सरकार कॉर्पोरेशन और मिलर्स मान एक बैठक अनुषित होता एवं मिलिंग चार्जेस और अन्न्य खर्च पर एक नूतन दर धार्य कर सरकार और कॉर्पोरेशन स्थिर करते से विषय में सरकार ए जाए आभिमुख्य स्पष्ट करना. यह बरगड़ में मिल मालिक मैंने जिला जोगाण अधिकारी कार्यालय सम्मुखें धारणा देते. बरगड़ प्रदीप महांती रिपोर्ट मेट्रो टीवी ब्यूरो. 31 अक्टोबर में माननीय मंत्री गोटे मीट नहीं थे आसंता वर्ष 15-16 में कमी कर्पोरेट हम सोनपुर में चाषी मैंने कमी भाग सब एम एस पी पाए आपंट चलिए से विषय से मीटिंग में गोटे दावी देखिए यही रेट आमको निर्भर करता जिसको 68% देखा देवा पड़े तो
ସେ ଏଗ୍ରି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଅଛି, ଆମ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ମିଟିଂ କରିକିରି ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ କର୍ମା। ତାପରେ ଆମର ଚାର ପାଞ୍ଚର ସିଟିଂ ହେଲା, ଲାଷ୍ଟରେ 8 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କର୍ପୋରେସନ ଦୁଇଜଣ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି ମିଲର୍କୁ ଏଇ ରେଟ୍ଟା ଦିଆଯିବ। ସେ ରେଟ୍ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ହୋଇନି କି କୌଣସି ମିଲର୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇନି। ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର 90% ଆମେ ଆକ୍ସିଲ୍ ଚାଉଲ ଦେଉଛୁ, ଆଉ 10% RRC ଯେଉଁଟା ଆମର ଲୋକାଲ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର PDS ତାଙ୍କ ପାଇଁ 10% RRC ଦେଉଛୁ। ପ୍ରାୟ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମୋର ଦେନ୍ 80% ଡେଲିଭରି ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଧାନ ସରିଯିବା, ଚାଉଳ ସରିଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ରେଟ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନାମରେ କିଛି ତାଙ୍କର ପାଉଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟା ଆଜି ସରକାର କିମ୍ବା ସରକାର ଆଉ କର୍ପୋରେସନକୁ ଆଜି ଜଣାଇବୁ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ। ବାଉଁଶ ବୁଦାରୁ ମିଳିଲା ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ଗଳିତ ଶବ, ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ। ନୃସିଂହନାଥ ପୀଠକୁ ଯିବା ବାଟରେ ରାସ୍ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ବାଉଁଶ ବୁଦା ମୂଳରୁ ଏହି ଗଳିତ ଶବ ଦୁଇଟିକୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ହରିଶଙ୍କର ପୀଠଠାରେ କିଛି କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ ଏହି ଶବ ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଶବ ଦୁଇଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ହରିଶଙ୍କର ଫାଣ୍ଡିଠାରୁ 350 ମିଟର ଦୂରରେ ନୃସିଂହନାଥକୁ ଯିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା କୋଡ଼ର ଏକ ବାଉଁଶ ବୁଦାରେ ଦୁଇଟି ଅଚିହ୍ନା ଯୁବତୀଙ୍କ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି। ହରିଶଙ୍କର ପୀଠରେ ବୋଲବମ୍ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଭକ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଦେଖି ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ପାଟନାଗଡ଼ SDPO ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଶବ ଦୁଇଟିକୁ ଜବତ କରି ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ଗଳିତ ଶବ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ବୟସ 45 ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବୟସ 40 ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଶବ ପାଖରେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସହ ପାଣି ବୋତଲ, ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ଚପଲ ଆଦି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହରିଶଙ୍କର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ ମାଓ ଉପଦ୍ରବ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପୋଲିସ SOG ଯବାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରଥମେ ଶବ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ପରେ ଶବକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗଳିତ ଶବମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଶବଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ଧରି ଏଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପାଟନାଗଡ଼ SDPO ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଟନାଗଡ଼ ସୁନୀଲ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ TV ବ୍ୟୁରୋ। ଭାରତ ସର୍ବଦା ପାକିସ୍ତାନର ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଆସିଛି। ଏବେ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ଉପାୟ। ପାକିସ୍ତାନ ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ପାସପୋର୍ଟ ଓ ଭିସା। ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଗୁପ୍ତଚର ନନ୍ଦଲାଲ ମହାରାଜ। ରାଜସ୍ଥାନର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ଉପାୟ। ପାକିସ୍ତାନର ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ପାସପୋର୍ଟ ଓ ଭିସା। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଗୁପ୍ତଚରକୁ ରାଜସ୍ଥାନଠାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତା ନାଁ ହେଲା ନନ୍ଦଲାଲ ମହାରାଜ। ଏହି ଗୁପ୍ତଚରକୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ତାଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରାଯାଇଛି। ଜୈସଲମେରରୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାସପୋର୍ଟ ଜରିଆରେ ସେ ଭାରତ ଆସିଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ଏହି ଗୁପ୍ତଚର ପାଖରୁ ପାସପୋର୍ଟ ଓ ଭିସା ମିଳିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗୁପ୍ତଚରକୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ପଚରା ଉଚରା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦଲାଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତକୁ 35 କିଲୋ RDX ପହଞ୍ଚାଇ ସାରିଛି। ନନ୍ଦଲାଲ ପାକିସ୍ତାନର କ୍ଷିପ୍ର ସାନଗଡ଼ଠାରେ ବାସ କରେ। ତାଠାରୁ 2 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ କେତେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ TV ବ୍ୟୁରୋ। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଖବର। Nuwakhai Trade Fair 2016 Balangir. First all booking contact Aparna Digital Flakes Ramanpada Balangir. Mobile number 9939774673 and 9853862491. Organized by Signature 3 Group, Digital Partner Metro TV Bureau. আমি প্রতিদিন নিজকে প্রস্তুত করি থাও বিভিন্ন কাম পাই। হেলে দুর্ঘটনা? দুর্ঘটনা পাই আপন কেবে বি প্রস্তুত ন থান্তি। খাস সেইতি পাই আমি সবুবেলে প্রস্তুত। অশ্বিনী হসপিটাল, মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল এন্ড ট্রমা কেয়ার সেন্টার। LCC শহীদনগর, জয়েন PGDCA, MDSC, DCA, ট্যালি এন্ড লট মোর। স্পেশাল ডিসকাউন্ট ফর BPL কার্ড হোল্ডার্স, জয়েন টুডে। ব্রেক পরে স্বাগত।
रियो ओलंपिक्स रे आजि स्वर्ण पदक पई खेलिबे भारतीय प्रतियोगी सिंधु से सातटी इवेंट रे मुकाबला करिबे पीवी सिंधु ओ विश्वर नंबर 1 खेलाली मारिला कैरोलिन को मध्य रे स्वर्ण पदक पई हेबो लढै तेबे एई इवेंट रे सिंधु भारत पई पदक निश्चित करि सछंती। रियो ओलंपिक्स आज भारतीय प्रतियोगी सिंधु सातटी इवेंट रे मुकाबला करेंगे एथेरे पीवी सिंधु और विश्व नंबर 1 खेलाड़ी मारिन कैरोलिना मध्य स्वर्ण पदक लड़े हो आज संध्या 7:30 मिनिट समय मैच खेल तेज सिंधु भारत पर पदक निश्चित कर सारी से स्वर्ण जीतुंट कि रौप्य पदक से सन्तुष्ट होती मैच पर जमापड़ ओलंपिक्र बैडमिंटन प्रतियोगित फाइनाल को जबार सिंधु होती प्रथम भारतीय 2012 लंडन ओलंपिक्रे साइना नेहवाल भारत पर कांस्य पदक जीति गुरुवार सिंधु सेमिफाइनाल जापान नाजोमी वाकोहर को 21-19 और 21-10 सेट्रे हराई थे तेज सिंधु प्रशंसक मैंने मैच को नहीं खूब उत्साहित अच्छा। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो टीवी ब्यूरो। खंडगिरी पुलिस दादागिरी थाना रे जबत थैबा बाइक को पोडिला पुलिस बाइक फेरी पाइबा दाबी रे बाइक मालिकों नेतृत्व में किछि लोक डीसीबी ऑफिस घेराव करथिले तांको बाइक को जानी सुनी पोडी देथिबा नै से दाबी करछंती। खंडगिरी पुलिस थाना रे जबत होई रहिथिबा बाइक को पोडी देबा घटना को केन्द्र करी शुक्रवार बाइक मालिक ज्योति जीवन सामंतराय नेतृत्व में किछि लोक डीसीबी ऑफिस घेराव करथिले उक्त बाइक को थाना परिसर मध्यरे पुलिस पोड़ी देथिबा अभियोग होइछि। बाइक फेरी पाइबा दाबी रे डीसीपी ऑफिस घेराव करिछंती बोली बाइक मालिक सूचना देइछंती। ए संपर्क रे से कहिछंती जे मो बाइक को पुलिस कर्मचारी माने जानी सुनी पोड़ी देइछंती। ए संपर्क रे थाना अधिकारी माने मध्य तांकु धमक देथिबा नै सूचना मिलिछि तेणु आमे ए संक्रांत रे न्याय पाइबा पई डीसीपी को ठारु आशा रखिछु बोली से कहिछंती। भुवनेश्वर रु कैमरा पर्सन अमूल्यक सह मौसुमी का रिपोर्ट मेट्रो टीवी ब्यूरो। स्त्री समाचार पाँच जन अभोग हो जो गाड़ीटा रिलीज करने से गाड़ीटा पड़ी जाए और से संक्रांत में गोटे केस रेजिस्ट्रेसन होगी थाना बर्तमान आम इनभेस्टिगेसन करूँ कौ परिस्थित ये घटनाटा घटे मैंने कमी से कैंपस भितर को आसे कहार कह हाथ अच्छे सब विषय तदन कर। आसंता दिवाली रे दुईटी बड़ फिल्म पर्दा को आसीबा को जाउची दुई मेगास्टार को मध्य रे दिवाली रे हेबा को जाउची टक्कर दिवाली अवसर रे गोलमार 4 आंखे 2 एका संगे रिलीज हेबा को जाउची तेबे दुईटी फिल्म रे अजय देवगन अमिताभ बच्चन को मध्य रु किए बाजी मारछंती ता फिल्म रिलीज हेबा परे जणा पड़िबो। दिवाली रे दुईटी बड़ फिल्म पर्दा को आसीबा को जाउची दुई मेगास्टार को मध्य रे दिवाली रे हेबा को जाउची टक्कर गोलमार 4 और आंखे 2 यह एका संगे दिवाली रिलीज होबार योजना रही। गोलमार 4 रे अजय देवगन मुख्य भूमिका रे थिबा बारे आंखे 2 रे अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका रे नजर आसीबे। किछे दिन हेबा आंखे 2 रो प्रोमो रिलीज होई छी। सुपरहिट ब्रांड गोलमार 4 सह आंखे 2 रिलीज हेबा फिल्म निर्माता गोराम दोषी को पाए एक बड़ा चैलेंज। यह पूर्व गोलमार सीरीज रो तीनोटी फिल्म सुपरहिट होई छी। सेही परी 2002 रे निर्मित आंखी मध्य सुपरहिट होईथिला। तबे दिवाली रे रिलीज हेबा को थिबा एही दुईटी फिल्म रा सीक्वल केते दूर हिट होची ओ अजय नामिता किए बाजी मारु छंती ता फिल्म रिलीज हेबा परे जाना पड़िबो। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो टीवी ब्यूरो। उत्कल प्रदेश रे खबर आज पई एतिकी अधिक जानिया पई लॉगिन करंतु हमरो वेबसाइट www.metrotvbureau.com। नमस्कार।